गुड मॉर्निंग बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे पाठ 9, मिनी का ईमेल, जिसमें एक छोटी बच्ची है जिसका नाम मिनी है और जो अपनी नानी से कहानी सुनती है चंदा मामा की, और वो चंदा मामा को अपने घर बुलाना चाहती है, जिसके लिए वो ईमेल भेजती है, भेजना चाहती है। लेकिन ईमेल तो चंदा मामा पर नहीं जा सकता है, तो वो ईमेल नहीं भेज पाई। ठीक है, ये कहानी मैं आप लोगों को बोली थी पढ़ने के लिए। उम्मीद है आप लोग जरूर पढ़े होंगे कहानी को। इसके बाद हम लोग इस पाठ से संबंधित प्रश्न उत्तर भी कर चुके हैं अपनी कॉपी में। आज हम लोग पढ़ेंगे भाषा से। ठीक है, तो भाषा से पढ़ने से पहले आइए हम लोग देखते हैं क्या हम लोग पुस्तक में करेंगे और क्या हम लोग अपने हिंदी कॉपी में। सब चीज आप लोग हिंदी कॉपी में नहीं लिखिएगा, कुछ चीज हम लोग पुस्तक में कर लेंगे जो आपके लिए भी अच्छा रहेगा और आपको समझने में भी परेशानी नहीं होगी। तो आइए पहले देखते हैं हम लोग पुस्तक में क्या क्या करने वाले हैं आज। ठीक है, आइए बच्चों हम लोग पुस्तक में करेंगे पेज नंबर, देखिए यहाँ पे पेज नंबर 65 का क्वेश्चन नंबर 2, बताओ यह काम किसने किया। ये आप लोग अपने अपने पुस्तक में कीजिएगा। मैं यहाँ पुस्तक लिख देती हूँ और यहाँ पर क्या करना है, यहाँ बताया गया है कौन क्या करता है, वो आपको लिखना है। यहाँ पर कहानी सुनाना, इस पाठ में कहानी किसने सुनाया था, नानी जी ने, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे नानी जी। ठीक है, फिर नंबर ख में है कागज पर पत्र लिखना, कागज पर कौन पत्र लिखा था, मिनी, तो यहाँ पर मिनी लिखना है, लिखा हुआ है इसलिए मिनी छोड़ दीजिएगा। नंबर ग, कंप्यूटर पर पत्र टाइप करना, कंप्यूटर पर पत्र कौन टाइप कर रहा था, चुनमुन भैया। ठीक है, यहाँ हम लोग लिख लेंगे चुनमुन भैया। नंबर घ में है खिड़की के बाहर देखना, खिड़की के बाहर कौन देख रहा था, मिनी देख रही थी, तो यहाँ लिखेंगे मिनी। बच्चों एक इसको आप लोग अपने पुस्तक में जरूर कीजिएगा, ये इसलिए मैं बोल रही हूँ बार बार, इससे पहले भी मैं बस समझाई थी कि हो सकता है आप लोगों को जो यूनिट टेस्ट वगैरह हो तो इसमें से प्रश्न पूछा जाए कि कहानी कौन सुना रहा था, मिनी को कहानी कौन सुना रहा था, तो आप लोगों को लिखना होगा नानी जी। ठीक है, तो इस ऐसा नहीं है कि जो जिस तरह से पढ़ाया जा रहा है उसी तरह से प्रश्न पूछा जाए, तो अच्छा रहेगा अच्छे से आप लोग समझ कर इन सबको करते जाइए। ठीक है, फिर इसे सोचो और बताओ, यहाँ तारीख समय स्थान किस, आप लोग अपने जन्मदिन में कैसे किसको बुलाना चाहते हैं, ये है यहाँ टिक कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे भाषा से, तो भाषा से में नंबर 1 हम लोग कॉपी में करेंगे, इसलिए मैं इसे नहीं कर रही हूँ, अभी नहीं समझा रही आपको। अब देखिए यहाँ पर भाषा से का नंबर टू में जो है ये है चित्र बना हुआ, चित्र जिस चीज का है वो हम लोग को यहाँ पूरा करना है, चित्र देखकर सही मात्रा लगाना है। तो आप लोग को जब आप इसे कीजिएगा तो देखिए यहाँ वृक्ष, यहाँ ब्लू कलर से लिखा गया है, ठीक है, इसमें डी की मात्रा लगी हुई है। यहाँ मग लिखा हुआ है, लेकिन चित्र किसका है, हिरण का, हिरण को हम लोग मृग भी कहते हैं, क्या कहते हैं, मृग, तो म में री की मात्रा लगा देंगे इस तरह से। ये आप लोग अपने पुस्तक में ही कीजिएगा, इसे भी पुस्तक में। ठीक है, और यहाँ री की मात्रा लगा दीजिएगा। फिर इसे यहाँ पर, यहाँ देखिए घर बना हुआ है, यहाँ पर गह लिखा हुआ है, लेकिन मैं यहाँ री की मात्रा लगा दी तो क्या हो गया, ये गृह। तो ये इतना बनाने की जरूरत नहीं है, कॉपी में पुस्तक में से कर लीजिएगा। अब हम लोग नंबर 1 और नंबर 3 ये हम लोग कॉपी में करेंगे। मैं बार बार आपको समझा रही हूँ, जो चीज आप लोग को जहां बोला जाए करने के लिए आप लोग वहीं कीजिएगा इसे। ठीक है, तो आइए करते हैं, आप भाषा से पढ़ते हैं और कॉपी में इसे लिखेंगे। बच्चों हम लोग भाषा से करने जा रहे हैं, प्रश्न उत्तर लिखने के बाद लाइन ड्रॉ कीजिएगा और नेक्स्ट हेडिंग दीजिएगा भाषा से, और वहां नंबर 1 लिखकर फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आपको मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ कि कैसे हम लोग को पुस्तक में करना है और क्या कॉपी में। ठीक है, उस पर ध्यान दीजिएगा। और आप लोगों को मैं एक चीज और बता रही हूँ कि जब आप भाषा से इस पाठ का करेंगे तो आप लोगों को बहुत मजा आएगा, क्योंकि आप लोग
बहुत सारे चित्रों को बनाएंगे और उसे कलर भी करेंगे, उसे अपने पेंसिल कलर से कलर भी कीजिएगा। आइए मैं बता रही हूँ किस तरह से करना है। पहले नंबर वन लिखना है, फिर चित्र देखकर एक नाम और लिखें। जो चित्र है एक नाम और दिया गया है, यहाँ पे हम लोगों को एक नाम और लिखना है, ठीक है। इसे हम लोग समानार्थक शब्द या पर्यायवाची शब्द के हिसाब से नाम से भी जानते हैं। पर्यायवाची शब्द अभी आप लोग नहीं सुने होंगे, तो समान अर्थ वाले शब्द इसी तरह का रहता है कि किसी एक का जो भी दो अर्थ हो, ठीक है। यहाँ मैंने चित्र बनाया है, आप लोग भी अपनी हिंदी कॉपी में इसी तरह से बनाइएगा, ड्राइंग कीजिएगा इसी तरह से। और फिर यहाँ ये क्या चीज का चित्र, देखिए यहाँ चंद्रा मामा का मैन यह चित्र बना हुआ है, ठीक है। इसी तरह से आप लोग भी बनाइएगा, यहाँ चंदा मामा का, और यहाँ एक नाम लिखा हुआ है चंद्रमा, और हम लोगों को लिखना है और एक नाम। तो क्या कहते हैं चंद्रमा को और किस नाम से जानते हैं, चांद, ठीक है। चांद हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर, चांद, ठीक है। दूसरा है चित्र सूरज, इस तरह से आप लोग सूरज का फोटो बनाइएगा, यहाँ सूर्य लिखा हुआ है, हाँ। हम लोग एक और नाम लिखेंगे सूरज, ठीक है। आप लोग जरूर चित्र बनाइएगा, तब आप लोग को बनाने में भी लिखने में भी मजा आएगा और बनाने में भी, फिर इसे कलर कीजिएगा। ये देखिए यहाँ मैं बादल का फोटो बनाई हुई हूँ, ठीक है। आप लोग बादल को हम लोग मेघ भी कहते हैं और बादल, ठीक है। इसके बाद है ये घर का फोटो बना हुआ है, घर को क्या कहते हैं, गृह और घर, इसके बाद है ये देखिए बारिश हो रही है, ये बादल है और यहाँ ये पानी की बूंदे हैं, ये सब तो ये है वर्षा, वर्षा को हम लोग बारिश भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ लिखेंगे बारिश। एक और है लास्ट में, ये खाने का थाली है, ठीक है। और यहाँ देखिए पूरी है, सब्जी है, यहाँ इसमें खीर है, जो भी आप समझ लें, इस तरह से चित्र बनाइएगा आप लोग भी, ठीक है। और यहाँ पर लिखिएगा खाना लिखा हुआ है। एक और चीज हम लोग क्या कहते हैं खाना को, भोजन, भोजन। तो ये हो गया पहला भाषा से का पहला, चित्र बनाकर उसका एक और नाम लिखना, समान अर्थ वाले शब्द। आइए अब हम लोग नंबर थ्री में देखते हैं क्या है। नंबर टू को भाषा से का नंबर टू जो है उसे हम लोग कॉपी में ही लिखेंगे, और नंबर थ्री नंबर वन लिखने के बाद नंबर थ्री देंगे कॉपी में, सॉरी भाषा से का नंबर टू हम लोग बुक पे ही कर लेंगे, पुस्तक पे, ठीक है। नंबर थ्री को हम लोग कॉपी में, नंबर थ्री में क्या करना है, गोले में लिखे नाम शब्द की जगह चित्र बनाकर लिखो। फिर से हम लोग को चित्र बनाना है, इस पूरे पाठ में चित्र ही बनाकर सब चीज करना है, समानार्थक शब्द बोलिए या फिर नाम वाले शब्द यानी संज्ञा शब्द, संज्ञा शब्द को पहचानना है और उसका चित्र बनाना है। और पहले लाइन लिखेंगे जो हम लोग के पुस्तक में दिया गया है, पुस्तक में पहला है सूरज चमक रहा है, ठीक है। तो सूरज जो है उसके ऊपर इस तरह से गोल बना हुआ है, सर्कल बना हुआ है। अब आप लोग को इस जो सूरज है दूसरे लाइन में उत्तर जब लिखेगा, पहले तो ये लाइन लिख लीजिएगा कॉपी में, फिर उत्तर लिखिएगा। उत्तर लिखने के बाद यहाँ पर सूरज का फोटो बनाना है, आप लोग अच्छा से एक सूरज का कलर पेंसिल से बना लीजिएगा इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। और यहाँ लिखिएगा सूरज चमक रहा है, ये हो गया आपको। और दूसरे नंबर पर आइए देखते हैं क्या है। नंबर पर है पेड़ पर चिड़िया बैठी है, पेड़ पहले लिखना है, पेड़ पर चिड़िया बैठी है, पेड़ पर चिड़िया बैठी है, बैठी है। अभी यहाँ पर हम लोग को नाम वाले शब्द देखना है कि क्या है यहाँ पे, तो हम लोग पहले नाम वाले शब्द जो सर्कल कर लेते हैं, ये पेड़ और ये चिड़िया, ये नाम वाले शब्द है। अब हम लोगों को इस लाइन को लिखने के बाद यहाँ उत्तर लिखेंगे, और पेड़ की जगह पर हम लोग चित्र बना लेंगे पेड़ का,
इस तरह से, ठीक है। पेड़ पर चिड़िया की जगह पर हम भी हम लोग क्या करेंगे, ड्राइंग कर लेंगे चिड़िया। चिड़िया बैठी है, बैठी है। सो ये हो गया एक और दो। इस तरह से एक और है, फूल पर तितली मडरा रही है, ये भी आप लोग लिखिएगा और फूल बना लीजिएगा और तितली के जगह पर तितली का पिक्चर बना लीजिएगा। तो इस तरह से ये भी तीन हो जाएगा, एक दो तीन। मैं समझाने के लिए इस तरह से बोर्ड पर रहने देती हूँ, और जिस तरह से मैं आप लोगों को समझाई हूँ उसी तरह से आप लोग अपने कॉपी में लिखिएगा, ठीक है। देखिए ध्यान से इसे। तो बच्चों आज इस तरह से ये पाठ यही समाप्त हो जाएगा और हम लोग अगली कक्षा में दूसरे पाठ को शुरू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।